गरुड़ कौसानी मोटर मार्ग खस्ता हाल हो गया है। मोटर मार्ग में जगह जगह गड्ढे बने हैं, ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भैरवनाथ टमटा तथा पूर्व जिला पंचायत सदस्य बबलू नेगी ने बताया कि कई बार सूचित करने के बाद भी विभाग द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। देखिए, गौसानी के बारे में आपको मालूम है कि महात्मा गांधी जी ने खुद कहा था कि गौसानी जो है एक स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है। उत्तराखंड का अधिकांश इलाका जो है पहाड़ी इलाका है और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन मैं अपना मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले करीब 4 साल से मैं अपना अधिकांश समय पहाड़ में बिता रहा हूँ और जब भी मैं दिल्ली से आता हूँ तो देखता हूँ कि जो कौसानी बागेश्वर और खासकर जो कौसानी गरुड़ तक का जो मोटर मार्ग है उसकी इतनी हालत खस्ता है कि आप देखेंगे गड्ढे कई जगह तो एक एक फुट गहरे गड्ढे हैं। ऐसे मैं आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि टूरिस्ट जो है वो इन इलाकों में आएगा, क्योंकि भारी वाहन भी इस रोड पर चलते हैं और छोटे वाहन भी चलते हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ियों को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में मुझे लगता नहीं कि सरकार इस बारे में कोई बड़ी सोच विचार कर रही है। इसी रोड से आप देखेंगे विधायक भी निकलते होंगे, यहाँ के DM साहब निकलते होंगे, SP साहब निकलते होंगे, क्या कभी उन लोगों ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया है? मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के प्रशासन से जो कौसानी का और गरुड़ के बीच में जो भी खस्ता हालत है उसको जल्दी जल्दी रिपेयर कराएं ताकि जो आम जनता को इससे परेशानी हो उससे निजात मिल सके। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।